तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका 10th का सीबीएसई का डेट शीट आ चुका है, जो आपका 2022-23 के बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं ना उसके लिए। जी हाँ बच्चों, अगले साल से जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है 2023 के अंदर बेसिकली, उसका डेट शीट आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आपका कौन कौन से डेट को होने वाला है। अभी से कुछ समय पहले ही आपका ये डेट शीट आया है। कंप्लीट डेट शीट का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से डेट को है एग्जाम उसका आपका। ठीक है, आप पेन और कॉपी लेकर के भी बैठ सकते हैं, उसके अंदर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपना 10th का सीबीएसई का डेट शीट देखते हैं 2023 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका एग्जाम है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 फरवरी को है पेंटिंग सब्जेक्ट का। और एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी आपका, वो रहेगा 10:30 बजे सुबह से 12:30 बजे तक। ध्यान रखिएगा यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर 12th क्लास का कुछ और है। 10th की अगर मैं बात करूं तो अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे पेंटिंग आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, तो उसका टाइमिंग यहाँ पर रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का। ठीक है, और सब्जेक्ट का आपका टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके पास टूरिज्म वगैरह है, जैसे इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म जिनके पास है, उनका जो एग्जाम रहेगा वो 16 फरवरी 2023 को होगा, 10:30 से आपका 12:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है जिनके एग्जाम आप देख सकते हैं इस डेट को होने हैं। ठीक है, रशियन वगैरह ये कुछ सब्जेक्ट है आपके। और नीचे चले तो जिसका जिनके पास बेसिकली उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू कोर्स ए, तो उनका एग्जाम होगा 24 फरवरी 2023 को। और जो मेन एग्जाम जो हमारा शुरू हो रहा है, जो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बच्चों के पास होता है, वो होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का यानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर कह लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो एग्जाम है आपका 27 फरवरी 2023 को होना है। इसका टाइमिंग जो आपका रहेगा 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे का टाइमिंग रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए ऑलमोस्ट बच्चों के पास जो रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उसका आपका पेपर होगा 27 फरवरी 2023 को। उसके आगे चलते हैं बच्चों, तो और सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं और कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम है आपके। साइंस का पेपर देख लीजिए 4 मार्च को होगा डायरेक्ट। तो सोचिए पहला एग्जाम आपका होना है इंग्लिश का, वो 27 तारीख को होना है, उसके बाद सीधा 4 मार्च को आपका साइंस का एग्जाम होना है, यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। ठीक है, 4 मार्च 2023 को, और इसका पेपर होगा 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का। उसके बाद 6 मार्च को आपका होम साइंस का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं होम साइंस का जो पेपर होगा वो भी होगा आपका 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक। उसके नीचे चले तो यहाँ पर जिनके पास संस्कृत सब्जेक्ट है उनका जो एग्जाम है वो होगा 11 मार्च 2023 को, संस्कृत का पेपर होगा आपका, ध्यान रखिएगा। फिर नीचे चलते हैं, जो आपका सामाजिक विज्ञान रहता है यानी सोशल साइंस रहता है, उसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 15 मार्च 2023 को, सोशल साइंस का एग्जाम होना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 11 के बाद डायरेक्ट 15, ये ध्यान रखिएगा। तो गैप आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है यहाँ पर एग्जाम्स के बीच में। उसके बाद चले तो 17 मार्च 2023 को आपका हिंदी का पेपर है, चाहे आपके पास हिंदी कोर्स ए हो या हिंदी कोर्स बी हो। और उसके बाद लास्ट एग्जाम जो आपका होना है 21 मार्च 2023 को मैथमेटिक्स का, यानी कि गणित का है आपका पेपर, चाहे आपके पास मैथ्स बेसिक का हो या मैथ स्टैंडर्ड हो, आपका पेपर होगा 21 मार्च 2023 को। ठीक है, तो ये आपका डेट शीट निकल करके आता है बच्चों, यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से आज ही आया है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, डेट है आपका 29/12/2022, यहाँ पर आपका 29/12 बोले तो 29 दिसंबर 2022, अभी कुछ देर पहले ये डेट शीट आया है। यहाँ पर आप जो कंट्रोलर होते हैं एग्जामिनेशन के उनके साइन भी देख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर श्याम भारद्वाज जी का साइन है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट डेट शीट निकल करके आया है क्लास 10th के बच्चों का। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये आपका कंप्लीट डेट शीट है, और देखा जाए तो ओवरऑल जो आपके पेपर है ना बच्चों, वो फरवरी से शुरू हो जाएंगे और मार्च एंड होते होते या मार्च एंड होने से पहले ही आपका खत्म हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो आपको ठीक ठाक सा पेपर का यहाँ पर डेट शीट देखने को मिला है, और यही था आपका कंप्लीट डेट शीट जो सीबीएसई ने रिलीज किया है अभी से थोड़ी देर पहले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और सैंपल पेपर की तो भैया बौछार होने वाली है, ठीक है, तैयारी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है, हम आपके लिए सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम आप हमसे हो पाएगा आपके लिए हम वो प्रोवाइड करेंगे आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं अभी तक, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा हुआ वीडियो देते रहते हैं जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।